एमपी के राजगढ़ में पुलिस ने एक हैरान कर देने वाले मामले का खुलासा किया है। यहां एक लालची पति ने पत्नी की सिर्फ इसलिए हत्या करवा दी ताकि वो उसकी मौत के बाद बीमा पॉलिसी के पैसों का फायदा उठा सके। दरअसल वारदात पिछले महीने 26 जुलाई की है, जिसका एमपी पुलिस ने अब खुलासा किया है। कहानी तब शुरू हुई जब राजगढ़ के भोपाल रोड के पास 27 साल की पूजा नाम की महिला अपने पति बद्री प्रसाद मीणा के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी उसके रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पति ने पुलिस को बताया कि उसने 4 लोगों से कर्ज ले रखा था और जब वो अपनी पत्नी के साथ नेशनल हाईवे से गुजर रहा था तब 4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। ऐसे में जब उसकी पत्नी बीच बचाव के लिए आई तो आरोपी उसे गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने महिला के पति के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस को दिए बयान में पति ने घटना की रात को जो कहानी बताई थी उसमें कहा गया था कि पत्नी के सर पर सामने से गोली मारी गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि महिला को सर के पीछे गोली लगी थी। यहीं से पुलिस का शक और ज़्यादा गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों की कॉल डिटेल्स को खंगाला तो पता चला कि घटना के समय इनमें से कोई भी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इसके बाद जब पुलिस ने मृतक पूजा के पति की कॉल डिटेल को खंगाला तो मालूम हुआ कि एक ऐसा नंबर था जिससे पिछले कुछ दिनों में लगातार बद्री प्रसाद बात कर रहा था और वो नंबर वारदात के समय मौके पर मौजूद भी था। और उसके बाद जब पुलिस ने पति से पूछताछ की तो मानो सारे शक यकीन में बदल गए। आरोपी बद्री प्रसाद ने बताया कि उसके ऊपर करीब 50,00,000 रुपये का कर्जा था। उसने इस कर्ज को उतारने के लिए पहले पत्नी का 35,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा करवाया और फिर इंटरनेट पर वीडियो देखकर उसने पत्नी की हत्या की प्लानिंग बनाई। साथ ही इसके लिए उसने 3 बदमाशों को करीब 5,00,000 रुपये में पत्नी की हत्या की सुपारी भी दी। इसके लिए बद्री प्रसाद ने 1,00,000 रुपये एडवांस दे दिए थे और कहा था कि बाकी पैसा बीमा राशि आने के बाद मिलेगा। बहरहाल पुलिस ने मामले में बद्री प्रसाद और सुपारी लेने वाले हुनर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम सेल।